अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जायका। आज मेरी मम्मी बना रही हैं आलू पकोड़ा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए सीखते हैं। आलू पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, एक कप बेसन डालेंगे। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। आधा कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके घोल बना लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए घोल तैयार हो चुका है और आलू को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। आलू को काटकर पानी में रख दिया था ताकि आलू काला ना हो जाए। अब हम इसको बेसन के घोल में मिक्स करके फ्राई करेंगे। आलू पकौड़ा फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, दो कप तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम बारीक फ्लेम करके पकौड़ा तलेंगे।